3. क्योंकि मेरा कुछ फेवरेट है। आप अंदर देखिए हमारे पतिदेव जी हमारे करवा चौथ व्रत के लिए मेहंदी लेके आए हैं, लेके नहीं आ पाए हैं, ये जाके ऑनलाइन मंगाया है, 60 रुपये का मिला है, 4 की 10 का आता होगा शायद, मुझे लग रहा है ये 15 का ही आता होगा, पता नहीं। तो ब्लिंकिट से ये मेरे लिए मंगाए कि ये लो मेहंदी लगा लो। मैं इतनी ज्यादा दुकान पे गया था, ये बात देखो आपने मिस कर दी, मैं दुकान पे गया था तो वहाँ थी नहीं, इसलिए ऑनलाइन मंगाना पड़ा है। आपको इतना मन हुआ कि मैं लगाऊँ? चलो और हाँ हाँ अच्छा नहीं अच्छा और उसमें बोल दिया था कि मैं शाम को 9 बजे ब्लॉग डालूंगी, तो बहुत से लोगों ने बोला कि हम वेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बोला आप अपने टाइम पर अपन छोड़ने हो, टाइम पे ब्लॉग नहीं डालते, बहुत सारे लोगों ने बोला कौन सा ऐसा ब्लॉग डालते जो हम तुम्हारा वेट करेंगे, मतलब जिसको जो बनाया ऐसा बोल दिया। अब वही मैं नहीं डालती तो दीदी आपने तो हमें बताया भी नहीं, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं, तो ऐसे हो जाता है फिर सब। यार देखो क्या होता है ना, अब त्योहारों का टाइम चल रहा है, फिर शादी ब्याह भी घर में है, टाइम से चीजें नहीं हो पाती हैं, सारी चीजें फिर मैनेज करना अपने। मैं हाँ कोई कहीं भाग रहा है त्योहार के चक्कर में, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी दिशा में शॉपिंग कर रहा है, कोई किसी दिशा में शॉपिंग कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें मिसमैनेजमेंट हो रही है। मेरे साथ भी ये है कि देखो अभी जो ब्लॉग है मैं आज नहीं डालूंगी तो शाम को डाल दूंगी, कल डाल दूंगी, लेकिन शॉपिंग आप लोगों को पता है, शॉपिंग है और भी सारी चीजें की तैयारी कितनी जरूरी होगी, छठ दिवाली है ना, करौचा चल ही रहा है, उसके बाद बहन की शादी, ननद की शादी, तो मेरे लिए सारा मतलब बिल्कुल वो हो गया है, भागम भागा, इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, गाड़ियों से मेरी आंख भी लग गई थी, मैं ऐसे सोच रही थी रवि ना करे, मैंने देखा था आपका गाड़ी लगना कम नहीं हुआ ना, लेकिन आज बहुत सर में दर्द, जाते टाइम ही मेरा मन उल्टी जैसा हो गया था, लेकिन नहीं हुआ, और आते टाइम सर में इतना दर्द तो वहीं पर हो गया था। तो फिर मैं आई और उसके बाद आप लोग मैसेज आ रहे थे, मैं पहले दवाई खाई आँख खोल के, फिर मैंने चाय पिया 8 बजे, क्योंकि ना मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि टाइम ज़्यादा ना लगे, वही चीज़ धीरे से अगर बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, तो 1 घंटा हो जाएगा मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं इतना भी नहीं बोल रहा। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया, तब तक लोग मैसेजेस आ रहे हैं दीदी डाला नहीं, 9 बज गए आपका हाथ रेड हो जाएगा, फिर फटाफट से एडिट करके मैंने डाला सा लगा, और अब मैं जा रही मेहंदी लगाने, इन्होंने बोला है ये मेरे इस हाथ में लगाएंगे मेहंदी, ये मैंने कब बोला, मतलब मैंने बोल दिया, आप बोल दो मैं लगाऊंगा, ठीक है ऐसे बता दिया करो ना, वीडियो बन रहा है ये तो शिव जी का, ठीक है। तो और मैं डालूंगी कि पतिदेव जी ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाया कि मुझे किया इमोशनल, फिर किसी का कमेंट आ जाएगा इनका हर वीडियो में प्राउड मोमेंट। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, आप लोग अच्छे वीडियो अच्छे नहीं लगते ना बहुत सारे लोग, बताऊँ क्यों, इनको क्या अच्छा लगता है, या तो इमोशनल डाल दो रोना धोना तो अच्छा लगेगा, या फिर हम सोने चांदी खरीदे उसके व्यूज देखो, उसमें भी तो लोग कमेंट कर देते, कमेंट कुछ भी कर लेकिन व्यूज देखो, लोग देखने जुड़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर हम वीडियो ऐसे डाले जो मतलब नॉर्मली चीजें जो घर में एक ये चलता है, लेकिन पता क्या धीरे धीरे मैंने देखा है कि ये वीडियो आपका चलता है, लेकिन धीरे धीरे 1 लाख तक, सुबह ऐसा लगा कल का जो व्लॉग डाला हुआ था कि यार 50-60-70 तक ही रुक जाएगा, और शाम होते थे 1 लाख तक होने तक आ गया, ये भी सबसे व्लॉग नहीं डालते लोग सोच रहे चलो यही दे चलेगा इस, तो मैं मेहंदी अपना टैलेंट दिखाती हूँ मैं मेहंदी लगा के, ठीक है कि मुझे मेहंदी लगाने आती है, थोड़ा सा मैं भी आरएनडी करूंगा, और हमारे धनु भी इसमें अपनी जो कलाकृति, अरे ऊपर से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ धनु को, ऊपर से दिखाओ धनु, आपका निचर दिख रहा है इसलिए कह रहे हैं ऊपर से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ भाई धनु को, ऊपर से दिखाओ, इमेज होनी बची है, फोटो में सोए थे, कैब बुक कर रहे थे ना धनु, लगाओ लगाओ नहीं यहाँ से लगाओगे मम्मा को मेहंदी, अरे मैं आपको क्या बताऊँ, उस दिन तीज वाले दिन मेहंदी लग रहा था ना, तो निक्की लगवा रही थी और मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप जाओ लगवा लो, ऐसे मुंह बना कह रहा है मम्मा आप नहीं लगाओगे क्या, आप लगवा लो, मैंने बोला बेटा लगाऊंगी, कह रहा अच्छा बात, देखो सबसे सिंपल ठीक है और सबसे अच्छे तरीके से जो मैंने बचपन से देखा ये सारे पे ना यहाँ पे भर दे रहे हैं, वो मैं कर दे रहा हूँ, तो वो आप बाद में करना इस वाले हाथ पे सोने के टाइम पे खाना खाने के बाद, इसमें मैं तब तक लगा, तो फिर पहले खाना वाना खा लेते हैं ना तभी लगाना, हाँ, मैं इसमें एक तक लगा लेते हैं, रहने दो यार खाना वाना खाना है फिर चलो बाद में लगा लेंगे। तो दोस्तों आज ही हमारा देखो स्पेशल ऑनलाइन डिनर है, ये है मलाई सोया चाप, ये है चिली पनीर ड्राई, और ये है हमारी रुमाली रोटी, तो ये मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देखता हूँ ढंग से कर पाता हूँ कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है इसमें, क्या ढंग से करना, कल मैं आपको दाढ़ी वाड़ी बना के दिखूंगा, शनिवार है तो दाढ़ी बनाना भूल गया था मैं, कल मैं करवा चौथ का व्रत था पतिदेव जी के लिए, तो इसलिए देखिए मेरे पतिदेव जी मुझे महारानी बन, सॉरी कुछ लगी तो नहीं, अच्छा ऐसे किया क्या डराने के नहीं, वो मेरे को लगा कहीं मेरे पैर पे ना गिर जाए तो मैंने पैर पीछे खींच लिया
मैं यहाँ महारानी बनने आई थी, महारानी बना के मुझे और खाना सर्व करना है। हमारी रवीना बैठेंगी और खाना, हाँ यहाँ पे और यहाँ बैठ जाना, मैं महारानी हूँ आज के लिए, ठीक है, क्योंकि घर में हमारे अलावा कोई नहीं। ये रानी महारानी शब्द मुझे ऐसा लगता है ना, जो घर का मालिक होता है ना वो सबसे ज्यादा परेशान होता है और सबसे ज्यादा पिसता है, इसलिए रानी महारानी नहीं बनना चाहिए। अगर अगर हम मतलब कि छत्र छाया में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां कम होती है ना, और जो मतलब जो अपने सर पे लिए रहता है सारा बोझ उसी के ऊपर होता है, और चार सुनता भी है, चार सुनता भी है। आजकल मैं जितने भी YouTube पे भोजपुरी मूवी है ना उन सब के ट्रेलर देख रहा है, और सबसे पता चला कि अरे दुनिया ऐसी है, कहीं कुछ नया नहीं है, दुनिया ऐसी है, सही में दुनिया ऐसी है, दूसरे दूसरे दूसरों को देखते हैं बस, है ना। तो रानी के घर में क्या हो रहा है, ढिमकाने के घर में क्या हो रहा है, हाँ हमें दूसरों को ऐसा देख के ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है हमारा अपना दुख बड़ा है, लेकिन दुख कितना बड़ा होता है ये तो जिसके पास जाओ, जो अपने मन में जानता है उसको पता है। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सोचता कि वही वाला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी हम थोड़े से मनोरंजन के मूड में है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो शॉपिंग वाला ब्लॉग एक अलग में डाल दूंगी, है ना, और ये वाला जो एक ब्लॉग है अलग से हमारा मेहंदी ब्लॉग, ठीक है, ये जाएगा मेहंदी में जाए या उसमें जाए जैसे भी, लेकिन खाना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे अजीब सा हो गया है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं मंगाया मैंने, वेस्ट नहीं नहीं होगा, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, हम खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, बाय बाय सबको। सो गाइज, जब मैं आई मार्केट से तो मुझे ये दिखा, इतना सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा, है ना, क्या है ये कब, है ना अच्छा सा। तो मैं कह रही हूँ अरे ऐसा तो अपने घर था ही था, ऐसे ऐसे मिलता जुलता है ना, तो पतिदेव जी बोला कह रहे ये ऑफिस से मिला है, कि वो भी तो मैं ही लाया था, मैंने बोला हाँ तभी एक ऐसा सेम है, पिछले साल भी मिला हुआ था दो या तीन ऐसा डब्बा, तो दिवाली का गिफ्ट है गाइज, पता नहीं अभी क्या मिलेगा बट ये उसी के लिए है। और जैसे मतलब इतने दिन पहले से ना शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसे मिलना, तो वही ला के यहाँ पे रखे हुए, चलो मैं अपना मेहंदी लगा लूँ, मेहंदी गाना गाओ रवीना मेरे लिए, मेरे को नहीं आती, ये वाला गाओ, मेहंदी लगा ले 16 श्रृंगार कर ले दुल्हन बन जा खुद को तैया। गाइस बताया था ना, अब मैं यहाँ पे मेहंदी लगाऊंगी कुछ सिंपल सा इतना सा, और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप बताना कि कैसी लगी है, रील भी बना लूंगी, ठीक है, ये पकड़ो ना, हाँ सॉरी, यही है, यही है, ये जगह तुमको ही दिखा रही हूँ, ये देखो मैंने लगाया खुद से, मैंने खुद से, मुझे कैसे चिढ़ा रहा है, मारूंगी इधर ना उसको ऊपर, मैंने लगाया खुद, धनु कैसे नहीं बोल रही थी मैं, हाँ धनु कैसे बच्चे एक बार आप बोलना, कुत्ता नहीं, अच्छा लगा ना, नहीं लगा बहुत। गाइस देखिए राइटिंग कैसी है, मेहंदी से लिखा है मैंने ऐसी राइटिंग में, नाम सोचो पेन से कैसी राइटिंग में लिखी, एकदम बेकार, बढ़िया था। गाइस मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, खुद से लगाई और सच में मैं खुद ताज्जुब खा रहा हूँ, और दूसरे इतनी बारीकी से इतना अच्छा डिजाइन करके मेरी मेहंदी भी लगा सकती है, सीरियसली मैं इंप्रेस हूँ यार, मतलब काफी काबिले तारीफ लगाया आपने, मतलब सच में जेन्यु, ये मेरा बहुत, अगर कैमरा ऑन नहीं भी होता ना तो भी मैं यही बोलता, अभी मैं देखती हूँ गाइस लोग क्या बोलते हैं, मेरी कि आपकी दीदी ने मेहंदी कैसी लगाई है, ठीक है कमेंट जरूर करना खुद से, और अभी इस हाथ पे देखते हैं आपके जीजू कैसे लगाते हैं, यार देखो मुझे आता नहीं है, मेरे भरोसे मत बैठो, कोई बात नहीं, बोलो नहीं टिप, हाँ, कर दो, टिप टिप कर दूंगा बस मैं, ठीक है वो कर दो आप बस, ठीक है बाकी ठीक है, चलिए। सो गाइस तो ये मैंने मेहंदी लगा ली, इस हाथ में इन्होंने बोला था मेहंदी लगाने के लिए, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है, वैसे अभी हमने क्लिप डिलीट कर दी जो एक्साइटमेंट था वो चला गया, ये डिजाइन मेरे लिए चुन के रखे हैं, मैंने ये वाला डिजाइन ऑनलाइन से निकाल के रखा था, नहीं ना देखिए मुझे मेहंदी लगाएंगे है ना, स्टार्ट करते हैं, और ये वाला डिजाइन मैं तो लगा नहीं सकती, ये लगाएंगे जरा देखते हैं, ये चूड़िया थोड़ा ऊपर, आर्टिस्ट की पहचान नहीं है अभी आपको, सही कहा आपने, हीरे की जौहरी को, इस आर्टिस्ट की पहचान जिसको लग जाएगी मेहंदी वही पहचान सकता है, आज मैं पहचान जाऊंगी आपको, तंग मत करिए आप, दिख रहा है ना आपको, मैंने पेन पकड़ लिए है, पेन पकड़ लिया है, अब ये मेरा कार्डबोर्ड है, अब इसमें मैं अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा, ठीक है, आज इसमें मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद।
कुछ पता तो लगना चाहिए ना उतनी देर एक्टिविटी कुछ की है। थोड़ा सा लगाओ तो सही, तब मैं वो करवाऊंगी। मैं निकल क्यों नहीं रहा ये? हाँ निकल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मोटा काट दो उसको, रहने दो, मोटा मोटा लगा देना ना। ठीक है। धनु पापा को देखो, तुम मेहंदी लगा रहे हैं। मैं लगाऊं? ना आप रहने दो, पापा पघार देंगे। आप घार देना, नहीं बाबू छोड़ देना प्लीज प्लीज। अब गिरने जिसके पास ऐसा बेटा ऐसा पति हो तो उसको किस चीज का सोचना और टेंशन करना पड़ेगा बताओ? मेहंदी के लिए मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद से भी उन्हें कर सकती। मेरा बेटा ही लगा देगा मुझे मेहंदी। धनु इस पे आप लगा रहे तो नहीं पता चल रहा, आप इस पे थोड़ा लगाओ तो। यहाँ पे लगाओ तो आराम से, फिंगर पे लाइन के ऊपर ऐसे फील करके लाइन के ऊपर। कैसा चीज कुछ ऐसा ऐसा, ये देखो इस वाले ना मैंने इस वाले फिंगर पे भर दो। मैं नहीं उधर से लाइन के ऊपर से। हाँ हाँ ऊपर उसके और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आप छोड़ दो ना उसको लगा लेगा। और ऊपर उधर ही करना। करो 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 अच्छे से करो, कोई बात नहीं। इसमें इसको रखो उधर जाकर पहुंच, कोई नहीं आप इस पे लगाओ। मेरे पास एक आइडिया है, अगर इसको मैं पूरा खराब करूंगा। नहीं नहीं इसमें करो, खराब मत करो, आइडिया आपका फेल हो जाएगा। और उधर ही करो ना। हाँ हाँ गुड। और उधर ही गुड हो गया। पापा का देना। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, फिर भी मुझे ऐसा था कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैंने खुद से लगाई। मैं जाके लगवाती है जो जैसे भी, लेकिन अचानक जो प्लान बना था उसके वजह से रात हो गया। मार्केट में ही वो भी ज़रूरी था, सब कुछ कर लिया। बट आगे आप लोग ब्लॉग देखिए, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है ना कि आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये मैंने कामनी के लिए सरप्राइज मंगाया है, मैं उसको बताना नहीं चाहता था, मैं जा नहीं पाया, समय की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया उसको गिफ्ट करने के लिए। आओ उसको दिखाओ। हेलो फटाफट से मैं रोटी बना लूं, है ना, नाश्ता भी करना है। रवीना आ जा बेटा। भाभी भैया बुला रहे, मजा दे। सो गाइस, तो ये रहा सीक्रेट सारा जो मैं पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने देखा मेरे वीडियोज़ में सारे शूट थे, और यहाँ पे इन्होंने जो गिफ्ट मंगाया हुआ था वो सारे गिफ्ट्स ये खोल के देख रहे थे, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना हैवी और कॉस्टली, तो वो लोग दिखा के सामने और तब जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें दिखा रहे थे। मैंने जो बोला हुआ था कि मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आता, तो आप थोड़ा सा अरेंज कर दो, ऐसे कर दो। उनके लिए जो घर में है चीजें वो अरेंज कर देते हैं। कामी रख दिया? हाँ रख दिया। देखो तो गाइज ये इस तरीके से है कि धनु जी इनको मैं बता रही हूँ। हाँ। ये मैंने रखा, इन्होंने बोला कि इनको सुहाग की जो चीजें होती हैं सारी चीजें कैसे अरेंज क्या करना है। इसमें है चूड़ा, ठीक है, सुंदर सा बिल्कुल सा चूड़ा। तो इन्होंने बोला कि वो देना चाहता हूँ मैं आपको सरगी, है ना। इसमें जो बड़ा सा स्टेटमेंट है वो बाद में आप लोगों को मिलेगा। ये बोले कि मैं आपके लिए करना चाहता हूँ सरगी के लिए, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप कर दो और मैं आपको दूंगा, ये मतलब अरेंज कर दो। तो ये इन्होंने मुझसे अरेंज कराया है और मैं खुद ही को ले लूँगी। सो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं वैसे प्लान तो नहीं कर पाता, लेकिन देख रहा हूँ तो कोशिश एक छोटी सी कर रहा हूँ कि कामनी को थोड़ा सा स्पेशल आज करवा चौथ के मौके पे उनको स्पेशल फील कराया जाए। तो ये देखो मैंने छोटा सा एफर्ट ये किया है कि जो घर में ही चीज़ें थी, एक एफर्ट करके
उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का इतना खूबसूरत सा जो त्यौहार है उस पर उनको कुछ अच्छा लगे। तो चीज़ें जो अवेलेबल थी वो ठीक है, नहीं तो मैंने ऑनलाइन से मंगा लिया था। जैसे इसमें ये बर्फ़ी है, ये आपका मीठी वाली मछली है, ले जाना ले जाना। और ये हमारा ड्राई फ्रूट है, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा के मेरी चीज़ बेस्ट पॉसिबल हो सकती थी। वहाँ से खुलेगा हमारी ये मैंने मंगा दिया था। ये दिखाओ, ये थोड़ा सा मुझे, तो जिनके लिए तैयारी की गई है उनको बुला के लाया जाए। चलो रवि ना बुला के लाते हैं काम में, इसको अच्छे से सही। अभी तक आप तैयार नहीं हुए, ये सूट पहले तो आप इसमें अच्छे नहीं लगे, इसलिए क्या तुम्हें साड़ी पहनो। अरे कुछ काम है, ये पहनो पहले पहनो और चलो मेरे साथ बराबर तैयार। और कौन मंगाएगा, जल्दी तैयार हो, कुछ काम है यार। तो बाहर जो तभी तो तैयार होगी। सॉरी सॉरी कहाँ हो, देखो सच में अच्छा लग रहा है। लग पहन लिया था। हाँ हाँ मेरे साथ। ये पकड़ लो, यहाँ से पकड़ के चल सकते हो। तो कुछ सरप्राइज है क्या? हाँ और आगे चलो, बस यहीं पे रुको। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलिए, यहाँ से पीछे आइए, यहाँ बैठिए। गिरा तो नहीं दोगे? रुको रुको रुको, हो गया। 1 2 3 ये आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट किया है मैंने, जिसको बोलते हैं करवा चौथ स्पेशल। मेरे पति को ये भी नहीं पता किसको बोलते हैं सरगी। सरप्राइज। हाँ सरप्राइज। अच्छा हाँ सरगी बोलते हैं ना। धनु पापा ने मम्मा को सरप्राइज दिया, पर आप भी बोल देते है ना? नहीं, नहीं? तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। ये तो ये हो गए फ्रूट्स, ठीक है। हाँ। ये हो गई मीठी वाली मट्ठी। हाँ। ये बाद में दिखाऊंगा ना, रुक जाओ। हाँ। ये हो गई काजू कतली। हाँ। ठीक है, देख लिया मैंने, ठीक है बाबा। ये तो मैंने दिया था, ये आपने दिया था, ठीक है। हाँ। ये हो गया इसका ढक्कन का क्या है बता तो ड्राई फ्रूट। बाबू रुको बच्चा, यहाँ से खुलेगा। ये है ड्राई फ्रूट। हाँ। ठीक है, ये आप ही ने दिया था। हाँ। और ये है मेन सरप्राइज। तो सरप्राइज भी दिखाएं? हाँ दिखा दें। 3 2 1 आप भी बोलोगे ना सरप्राइज। पर इसमें इतना बड़ा मेरा गिफ्ट, ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रानी आपको नहीं है। अरे देखो तो सही, मजा आ गया। 1 सही है। हां हां देखो तो सही, मजा आ जाएगा। मैं जब 3 2 1 बोलूं। हां ठीक है, 3 इधर आओ। आप यहां आओ। 3 2 हम दिखाएंगे, ये हम बाद में। ये रानी हार से भी महंगा है। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरा कुछ फेवरेट है। ये बहुत दिन से डिमांड कर रही थी इस चीज के लिए, तो मैंने। और ऐसा चीज है ना धनु, रुक बच्चा, ऐसा चीज है कि आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे इस चीज को देख के।
कि ये आखिर है। ये मेरी सरगी और इतनी स्पेशल सरगी जिसमें आधा एफर्ट इनका ही है। इन्होंने पहले ही बोला था कि आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन आप इमोशनल मत होना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं हैप्पी हैप्पी खुश होने का वो होता है। तो खुश रहना, आपको खुश होना है, कभी भी आपको रोना नहीं है। जिन जिन घरों में करवा चौथ होता है मैं उन सबको बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपने घर में करवा चौथ का त्यौहार सेलिब्रेट करें, माँ वैष्णो देवी सब पे अपना आशीर्वाद अपनी दया बना के रखें और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ऐसे अब अच्छी नहीं लगती हूँ मुझे, बट हैप्पी एंडिंग तो ये खुशी के आंसू है। हाँ, खुशी के आंसू है। तो ये जो था कि हमेशा से एक ये मेरा शौक था। हाँ, है ये करवा चौथ करे, सरगी हो इनके लिए, शादी से पहले या शादी के बाद भी ये एक चीज जरूर करती हैं, आज भी करती हैं कि रात में जाके हम चंदा मामा को जरूर देखते हैं एक बार, मतलब जब रात में व्रत वगैरह का जब टाइम हो जाता है उसके बाद। तो हमारे यहाँ करवा चौथ होता नहीं था तो इसलिए ये नहीं उठा पाई करवा चौथ का व्रत। शादी से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे को करवा चौथ करने का बहुत मन है, तो मैंने इनको कोई नहीं अब स्टार्ट कर दिया है ना ये चीज़, तो ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, ये मिलेगा। और अब आपको पता चल गया है ना, तब ये सारा भी सामान आपको खुद खरीदना पड़ेगा। हाँ ठीक यार, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा सिखाना पड़ता है ना, तो अब अगली बार से मैं ये सारी चीज ना पहले ही प्रिपेयर करके रखूंगा। यहाँ पे आप आना ऐसे करके और ना ऐसे रिबन काट के तब बैठना। और मेरी सरगी की शुरुआत जो है मेरे पतिदेव जी के से हुई है, है ना, तो आप देना हर साल। इसमें कुछ कमी रह गई हो, कोई कुछ सजेस्ट करना चाहे अपनी तरफ से तो मोस्ट वेलकम। ये एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने बोला, तो ये घर में जो चीजें थी हमने उससे वो मैंने अरेंज किया है। हाँ। और बाकी ये सारी चीज जो ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने गूगल से हेल्प ले लेके थोड़ा सा देखा कि क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर ये पहले आप मुझे ये बताओ ये आपने कब मंगाया है? ये बस बताऊंगा, अच्छा स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू इतना स्पेशल बनाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। ओके, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये रोना नहीं। हाँ ठीक है।